हर जगह पे बंगलो घर जगह बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बजट भी बहुत ही अच्छा होता है, मगर वो जो है वो सच में हमें मिलता है क्या? बहुत सारे लोग जो है दिखाने लग जाते हैं हमें प्रॉपर्टी, और हम जाके देख लेते हैं एक पक्का मकान और नीचे दुकान, यही हर एक बंदे का सपना होता है। देखिए मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ वो प्रॉपर्टी की सही में जानकारी देना चाहता हूँ आपको, कैसे क्या लोग आपके सपनों को लूटते हैं। और जो लिखा होता है कि 40 से 25 लाख में आपको प्रॉपर्टी वो मिल सकती है, आपके नाम हो सकती है, और साथ ही साथ आपके पास से जो है एक बड़ी रकम लूट ली जाती है। लोग दिखाते हैं, हर कोई दिखाता, आपकी फैमिली का जो सपना होता है वो सच होने के लिए जाता है, आप खुशियां भी मनाते हो और सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगने वाला है। जय महाराष्ट्र, जय जय पुणे। मेरा नाम कासिम शेख है, ये हमारा अपना सबका पुणे प्रॉपर्टी व्यू चैनल है। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस जो बता रहा हूं सही में जो जानकारी दे रहा हूं, और सही मैं आपको मायने में प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा गाइड करने वाला हूं, क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस है 35 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे। और आपकी फैमिली में देखिए खुशियां मनाना चाहते हैं, मगर देखिए कुछ लुटेरे लोग हैं जो आपकी खुशियां लूट रहे हैं और लूटना चाहते हैं। लूट रहे के मतलब यानी कि उन लुटेरों ने उनकी खुशियां लूट ली है, सुख चैन जो होता है ना फैमिली का वो लूट लिया है। अब पछता के फायदा क्या? क्योंकि देखिए मैं आपको जो भी बातें आज बताऊंगा ना वो सच में होती है, आप मानो या ना मानो, मगर आप अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो अगर देख लोगे सुन लोगे तो आपको हर बातें पता लगने वाली है। क्योंकि मैं आपको सीक्रेट जो है 35 सालों का वो आपके साथ में बारी बारी से शेयर करते रहता हूं। मेरा एक ही मकसद है कि आप फंसे ना, आपको कुछ प्रॉब्लम हो ना। देखिए प्रॉपर्टी के वीडियो बहुत सारे लोग दिखाते हैं, मगर कोई आपको एक घर के जैसा कोई समझाता नहीं है। अगर उसमें दम नहीं है समझाने का तो मैं ये कहूंगा कि उसको हक नहीं है वीडियो बनाने का, खाम का प्रॉपर्टी रियल इस्टेट दिखाने का, बराबर ना, रियल एस्टेट की जानकारी देने का। देखिए साथ ही साथ देखिए यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको समझाने वाला, आपको बताने वाला, गाइड करने वाला मेरे ख्याल से कोई इतना कोई बंदा होना चाहिए। इसीलिए हम आते हैं, बहुत तो मेहनत करके ये वीडियो हमने बनाया है। कृपया करके अगर आप देखिए नए है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बहुत सारी जानकारी आपको हम देंगे। पब्लिक के भीड़ में आप कहीं खो ना जाना, मुझे ये डर सताता है। और हम आपके लिए एक से बेहतरीन जानकारी पुणे प्रॉपर्टी व्यूज पे लाते रहते हैं। मगर मेरे भाई और बहनों बहुत कम ऐसे लोग जो है मेरा वीडियो देख पाते हैं, मगर मैं जो भी बात करता हूं ना वो दिल से बात करता हूं, बिना किसी से डरे कोई, क्योंकि मेरा कोई बॉस नहीं है। मैं जो शेयर करता हूं ना आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, और आप जाते हैं खामखा गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टी की आप जानकारी सर्च करते हैं, वीडियो भी देखते हैं, उसके बाद में आपके सर में दर्द होना चालू हो जाता है, क्योंकि आपको सही में जानकारी आपको कोई भी नहीं देता है। मगर पुणे प्रॉपर्टी व्यू जो है ऐसा एक चैनल है जो जाता है पब्लिक के बीच में, पब्लिक की भी राय आपके सामने पेश करता है, पुणे के अलग अलग एरिया की जानकारी आपको आपके अपने घर में आपके मोबाइल फोन पे तुरंत मिल जाती है। डेली के वीडियो अलग अलग आते हैं और आपको हम जानकारी देते हैं। देखिए मेरे भाई और बहनों, आप ये जानना चाहते हैं कि वो 40 लाख का घर 25 लाख में कैसे क्या,
ये सब कुछ हम बताएंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी का जो वीडियो मैं दिखा रहा हूं, ये प्रॉपर्टी का जो वीडियो है, एक सैंपल वीडियो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये प्रॉपर्टी का जो है, ये बंगलो जो है, एक सैंपल बंगलो आपके सामने पेश कर रहा हूं। मगर सच में आपको कम बजट में घर या प्रॉपर्टी खरीदनी है तो देखिए आप हमारे वीडियो गैलरी में जाके वीडियो देख सकते हैं। काफी घर की हमने डिटेल वहां पे दी है। मेरे भाई और बहनों, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब और मकसद यह है कि आपको सच्चाई से थोड़ा बहुत अगर मैं रूबरू करा सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होने वाला है। मैं कोशिश करते रहता हूं हमेशा अपने पुणे प्रॉपर्टी व्यूज पर कुछ अनोखे वीडियो, अनोखी जानकारी, और मराठी में कहते ना कि अनोखी माहिती लाने की कोशिश। देखिए हम पुणे में रहते हैं, पुणे जो है महाराष्ट्र में है। आज पुणे का जो पॉपुलेशन है 10 साल के मुकाबले बहुत तो बढ़ रहा है, क्योंकि पुणे जो है, देखिए पुणे में जो एरिया है, अलग अलग एरिया जो है डेवलप हो रहे हैं। मगर पब्लिक आ रही है, पब्लिक घर ले रही है, मगर इसमें कुछ लुटेरे भी आ चुके हैं जो आपके अपनों के सपने लूट रहे हैं। मगर उनसे कैसे क्या बचा जाए, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, मगर फिर भी आज थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा मैं कि आपको बताने के लिए। देखिए आपको अगर प्रॉपर्टी सच में पुणे में खरीदना है तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि पुणे का जो पॉपुलेशन है वो कैसा है। आप सबकी राय होती है कि पुणे स्टेशन के पास या स्वारगेट के पास या कल्याणी नगर के पास या वडगांव शिरी में या येरोडा में या विश्रांतवाड़ी या टिगरे नगर या लोहगांव में या धानोरी कलवड़ में आपका अपना घर हो। अभी ये जो एरिया जो है, आप गूगल के ऊपर सर्च करते, गूगल के ऊपर से आप जाते हैं इन एरिया में जो है रेट जो है बहुत महंगा है। याद रखिए, अगर आप झोपड़पट्टी में भी घर एक खरीदते हैं, मान के चलिए कि 550-800 स्क्वायर फीट का, इससे बड़ा घर नहीं मिलेगा झोपड़पट्टी एरिया में, आपको पता हो या ना हो, मगर मैं मेरे एक्सपीरियंस के दौर पे आपको कह रहा हूं, एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। देखिए, कोई आपको कहता है कि 10 लाख में 8 लाख में मकान मिल रहा है यहां पे, ओके, क्योंकि देखिए आप उससे जब बात करते हैं ना, आप उसको जजमेंट दे देते हैं। जजमेंट क्यों देते हो, आप क्यों बोलते हो कि भैया मुझे 8-10 लाख में घर चाहिए। वो समझ लेता है कि चलो कुछ ना कुछ पिक्चर बन सकता है, कुछ ना कुछ स्टोरी बन सकती है और 4-8 पैसा जेब में आ सकता है, होता हो बंदा 420 वाला। मगर आपको ऐसा सुरमा पिना देता, ऐसा आंखों में काजल पिना देता है कि आपको सब हरा हरा नजर आ जाता है। मेरे भाई और बहनों, ऐसे जो लुटेरे हैं, वो ऐसे लोग जो है, आप उनसे बच के रहना, मैं यही कहूंगा आपको। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको समझाना। देखिए आप खुद समझदार हो, आप बड़े बड़े औहदे पे हो, देखिए आप पढ़े लिखे हो, आपको हर बातों का, हर सिटी एरिया का ज्ञान है, क्योंकि आपके पास पैसा है। अगर पैसा है आपके पास तो आपको जाहिर बात है दिमाग भी है आपके पास। मेरे भाई और बहनों, आपका जो पैसा है बहुत ही बेशकीमती पैसा है, क्योंकि हमने हमारा पैसा जो है बहुत मेहनत करके कमाया है, मशक्कत करके कमाया है। वो पैसे पे हमारे परिवार का अधिकार है और हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार की जो खुशियां है वो मिले उनको, और एक छत घर की अपने सर पे हो और समाज में अपना नाम हो, अपना ओहदा हो, इसीलिए हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सही ना। अब आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये जो एरिया का मैंने आपको अभी नाम लिया था, वो एरिया में इतना पॉपुलेशन है कि रहना मुश्किल है। मगर मेरे भाई और बहनों, आप अगर मुंबई जैसे सिटी की आप बात करोगे, आप जाते होंगे मुंबई जैसे सिटी में, मुंबई कितना बड़ा है, आप अगर देखोगे मुंबई को और आप एक जजमेंट लगाओगे 20 साल पहले का या 30 साल पहले का, तो मुंबई उतना बड़ा था क्या?
उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आज का जो दौर है मुंबई का, मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे सिटी की बात कर रहा हूं, मगर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मुंबई का। याद रखिए, मैं दिल्ली का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, अपने बाजू वाली सिटी का। आज देखिए, मेरा कहना यह है आप सभी से मेरे भाई और बहनों कि जो आपको जो प्रॉपर्टी सही में पुणे में चाहिए, तो आप वो प्रॉपर्टी देखिए, आपका एक तो बजट नहीं है और आप ये चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट हाउस, इंडिपेंडेंट घर, बंगलो ये आपका अपना हो। मगर मैं आपसे, देखिए वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप जो है पुणे के आजू बाजू 45 किलोमीटर के आसपास प्रॉपर्टी खरीदी करें। अब वो क्यों खरीदी करें, इसलिए खरीदी करें, ये मैंने सब कुछ पिछले वीडियो में बताया है। आप चाहो तो वीडियो गैलरी में या आई बटन में भी वो वीडियो देख सकते हो। देखिए, मेरा काम आप लोगों को सही से परामर्श, गाइड, सलाह देना, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपका अपना जो घर है उसका सपना पूरा हो। मैं ये चाहता हूं कि आप सच्चाई से बाद में रूबरू होने वाले हैं तो आप अभी तुरंत सच्चाई से रूबरू हो जाए और आप दिमाग में बिठाइए कि हमारा जो बजट है 8-10 लाख का, उस बजट में यहां पे पुणे के आसपास हमें 101% सही में इंडिपेंडेंट हाउस, बंगलो मिले और जो सपना जो है वो हकीकत में हो जाए। मैं इतना चाहूंगा आपसे, इतनी गुजारिश करूंगा कि कृपया करके देखिए, अगर आपको सही में जगह लेनी है, घर लेना है, बंगलो लेना है और आपके अपने अपने जो सपने हैं वो पूरे करने हैं, तो आप देखिए, आप कोई भी डेवलपर पकड़िए, उनके पेपर वगैरह चेक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमारे पास से जगह लेके घर बना सकते हैं, तो बिल्कुल डिस्कशन बॉक्स में या वीडियो गैलरी में कोई भी आप नंबर निकालिए, ढूंढिए, वहां पे हमारे ऑफिस का डिटेल में डायरेक्टली एड्रेस आपको मिलेगा, यहां तक के पूरी की पूरी पेपर की जानकारी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो भी जगह आती है, जो भी प्रॉपर्टी आती है, हम वो रिसर्च करके आपके सामने लाते हैं। पुणे प्रॉपर्टी व्यूज ऐसा नहीं कि कोई भी फेक प्रॉपर्टी की जानकारी आपको हम प्रोवाइड करते हैं, नहीं। मेरे भाई और बहनों, अगर वीडियो सच में आपको बेहतरीन लगा, मेरी जानकारी आपको सही में अच्छी लगी, तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर इतना करें कि हर एक भाई बहन के हाथों में ये, उनके मोबाइल पे ये वीडियो पहुंचना चाहिए और उनको ये मालूमात होना चाहिए कि पुणे के अंदर जो बजट है वो 1,60,00,000, 70 का, 80 का और 50 लाख के आगे ही बजट है। अगर आपका बजट 8, 10, 9, 15, 20, 25, 30, 40 का, 50 का बजट है, तो आप पुणे के आसपास अपना घर, अपना सपना, अपना ड्रीम साकार कर सकते। देखिए, मेरा बोलने का मतलब यही है कि आपके जो सपने हैं वो हकीकत में पूरे कीजिए, मगर सोच समझ के। मगर आपको बचना है ऐसे कुछ दलाल लोगों से। बस मैं आपको इतनी कोशिश करूंगा कि मेरे हर वीडियो में मैं बहुत सारे मेरे जो जिंदगी के एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ में शेयर करता चला जाऊं मैं। और मेरी एक कोशिश हमेशा होती है कि आपको सच्चाई से रूबरू कराओ। देखिए, मेरा काम यह नहीं कि कोई भी टाइटल टाइम पास के लिए यहां पे लगाना और आपको बस बहलाना फुसलाना और थोड़ा सा वीडियो आप देखते हो, कॉल करते हो, यह नहीं। देखिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, सच में अगर आपको इंडिपेंडेंट हाउस, बंगलो और सच में प्रॉपर्टी खरीदनी है आपके अपने बजट में, तो जगह लीजिए, जगह में आपका जो ड्रीम है वो पूरा कीजिए। देखिए, एक घर बनाने के लिए 4-3